नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। इस समय बता दें ठंडी सड़क पर खड़े हैं, जहां पर आप देख लीजिए सौरभ जो कि पिछले दिनों के अंदर उसका परिवार जो है आज तक जो है न्याय मांगता आ रहा है। और जैसे पिछले दिनों में जैसे आपने देखा था कि नहर के अंदर जो है उसकी बॉडी मिली थी, उसके बाद परिवार सदमे में था, उसके बाद जो है कार्रवाई करने के लिए FIR भी होती है, लेकिन परिवार का यही आरोप है कि ऐसे में सौरभ की जो मौत है उसे आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है और उसके बाद जो है जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई वो चाहते हैं वो नहीं हो रही है। तो फिलहाल परिवार के लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आज दुशहरे का दिन है और दुशहरे को काला दुशहरा के दिवस के रूप में मनाते हुए यहाँ पर, क्योंकि वो काला दुशहरा मानते हैं, क्योंकि ऐसे में परिवार के काफ़ी ज़्यादा लोग जो आहत हैं और अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो ये कह रहे हैं नहीं हो रही है। तो एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम नरसिंह पाल है, मैं अखिल भारतीय पालगढ़िया महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी जी, तो क्या कहना चाहिए आज यहाँ पर? पिछले दिनों से सौरभ जो हमारे पाल जी हैं उनका पुलिस ये भी नहीं पता कर पाई कि हुआ क्या, परिवार को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाई। मैं ये मानता हूँ कि देखिए आज दशहरे का दिन है और एक तरफ तो हम अधर्म पर धर्म की जीत का नारा लगाते हैं, अन्याय पे न्याय की बात करते हैं, लेकिन डेढ़ महीने से इस बच्चे का कुछ भी पता नहीं कर पाई पुलिस। हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, मेहर सिंह जी, सारा समाज बैठा है ये, और यहाँ की एक टीम भी पूरी बनी हुई है इस मामले को लेके। डीसी साहब से मिल लिए, SP साहब से मिल लिए और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी मिल लिए। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि 8 दिन के अंदर अंदर आपको न्याय मिल जाएगा, लेकिन आज तक भी न्याय नहीं मिला है और दुख का विषय हमारे लिए ये है। और आज हमारी इस पूरी टीम ने, सभा ने, समाज ने दशहरे को काले दशहरे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो ये चीज़ जानना चाहेंगे कि कार्रवाई में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्या जो लोगों को खिलाफ़ FIR करवाई गई थी उन लोगों को क्या अरेस्ट नहीं किया गया या आगे क्या कार्रवाई हुई है, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए पहले तो थाने में केस था, फिर हमारी जो टीम मिली SP साहब को, उन्होंने CIA 1 में कर दिया और CIA 1 ने कहा कि भी इसमें समय थोड़ा हमें दो जाँच पड़ताल करने का, लेकिन उसने भी कुछ आज तक कोई आश्वासन या कोई भी किसी प्रकार का कोई अरेस्ट, कोई दोषी नहीं ठहराया और ना ही परिवार को सेटिस्फाई किया। तो इसलिए इसमें हमें टोटली ये लगता है कि पुलिस इसमें ठीक काम नहीं कर रही है, न्याय नहीं हो रहा है, पुलिस द्वारा न्याय नहीं किया जा रहा है, ठीक जांच नहीं की जा रही है। जी जी जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहिए? इसमें हमारा तो कहना यही है जी, जिस दिन लड़का 11 तारीख शाम को विरिक हॉस्पिटल में गया था ड्यूटी पर, नाइट ड्यूटी थी उसकी, 2 दिन ड्यूटी करी वहाँ, तीसरे दिन सवेरे सुबह 7 बजे पुलिस ने ही बताया हमारे को वहाँ उसके जो बैग था, जो उसका मोबाइल फ़ोन था या कपड़े थे, वहीं उसका एक खून निकला हुआ मिला, कोल्ड ड्रिंक थी, नमकीन थी, कई चीज़ें ऐसी मिली जैसे कि उसको मतलब सुसाइड दिखाया जाए, जो कि वो लड़का नाइट ड्रिंक करता था, ना एक सिगरेट की एक डब्बी थी, मतलब ऐसे अर्जुन सी वो जगह ना, सुनसान जगह, वहाँ 10 बजे रात को किसी अनजान व्यक्ति जा ही नहीं सकता। तो वहाँ हमारे को परिवार को सबको ये अंदेशा है, अभी 2 दिन से जब ड्यूटी गिरा, कोई तनाव नहीं था, कोई घर में कोई तकरार नहीं, कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की, किसी परिवार से बड़ा खुश था। तो वो क्यों और कैसे हुआ? पहले दिन तो ये गुमशुदगी का पर्चा दर्ज कराया, पुलिस से कहा भी हमारा लड़का उठा लिया, उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा करो गुमशुदगी का पर्चा दर्ज कराओ, हमने परिवार ने सब ने मिलकर गुमशुदगी का दर्ज मुकदमा दर्ज करा दिया। 3 दिन के बाद डेड बॉडी मिल गई, उसके बाद 302 का मुकदमा दर्ज हो गया, उसके बाद भी हमने जो यहाँ अम्बेडकर चौक पर पूरे समाज ने जाम लगाया था, SP साहब मौके पर आए, SP साहब ने कहा बहुत जल्द से जल्द हम इसकी कार्रवाई 2-3 दिन के अंदर आपको जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, जिनके ऊपर आपने शक आया, जिन्होंने ये काम किया है उनके नाम दो। हमने 3 सदस्यों के नाम दिए थे, उनके ऊपर कोई अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। फिर CM साहब आए, CM साहब हम मिले, रेस्ट हाउस में आए, उन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया, हफ्ते के उसने भी मेरे ख्याल लगभग 20-25 दिन हो गए हैं, आज तक
नहीं तो परिवार को शामिल जांच किया गया, नहीं परिवार को इस बात का पता है कि इस केस में ये केस किस दिशा में जा रहा है, ये सुसाइड है, मर्डर है, या इसको हम परिवार को अब तो ये अंदेशा होने लग गया कि ये जो केस है ना बिल्कुल रफा दफा करने के कगार में आ गया। जो वीर हॉस्पिटल में था ना, जो डॉक्टर आज़ाद था, उसके साथ ये लड़का सारा दिन रहा। उस दिन कैसे 9 बजे छोड़ा, 8 बजे छोड़ा, 10 बजे छोड़ा, या और कोई भी है, हमें तो ये पता लगना चाहिए भी ये लड़का की डेथ हुई या सुसाइड है तो कारण क्या रहे। आज तक 31-32 दिन हो गए, हमें इन कारणों का नहीं पता लग गया। तो कल भी हम एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब तो छुट्टी पे थे, उन्होंने कहा अभी 2-3 दिन का ये तो हम सुन के परिवार बोर हो गया। अब तो हमारा ये कहना है भी जो दशहरा ना, हमारा दशहरा नहीं कोई दिवाली नहीं, जब तक हम तो एक ही बात है, सोमवार को यहाँ करनाल में हमारा पूरा समाज इकट्ठा हो रहा, उसके बाद हम एक बार एसपी साहब से पूछेंगे, फिर सीएम साहब से पूछेंगे, अगर कोई न्याय नहीं मिलता समाज इकट्ठा होगा, आगे किस दिशा में ये आंदोलन जाएगा वो तो परमात्मा ही जाना है। बस समाज के अंदर एक आक्रोश तो है, डेली हम दबा के रख रहे थे युवा को भी और अपने जितने मौजूद आदमी, अभी जांच चल रही है, न्याय मिलेगा, पर अब पूरा समाज हमारे पे 3-4 दिन से पहले प्रेशर है भी आपको न्याय नहीं मिल रहा, आपको तो गुमराह किया जा रहा है। तो इसके आधार पर हम तो आज यहाँ काला दशहरा के रूप में मनाने आ रहे हैं, और प्रशासन को आज भी कहीं ना कहीं सतबुद्धि दे परमात्मा, 2-3 दिन का समय है ये, अगर इसमें कोई कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो समाज किस तरीके से जाएगा, फिर तो वही बात होगी भी सड़कों पर ही न्याय है, यानी कि प्रशासन में, सेक्रेटरीट में, यहाँ कोई न्याय नहीं है, न्याय तो लेने के लिए सड़कों पर जाना, और कितने दिन जाना पड़ेगा, आज लगभग 35 दिन हो गया है, तो परिवार भूखा तो वैसे मर लेगा, समाज भी भूखा मर जाएगा, तो कहाँ जाए कहाँ ना जाए, हमें तो यही चिंता सताई जा रही है। तो हम तो ये कह भी समाज से भी यही है, अगर 2-3 दिन के अंदर कोई ये आश्वासन नहीं मिलता या न्याय नहीं मिलता तो पूरा समाज आंसी रोड चौक पे सोमवार के दिन इकट्ठा होना है, उसके बाद आगे जो समाज का निर्णय होगा उसके बाद। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि परिवार के जो लोग हैं उनसे बात हुई है, गाँव के लोगों से बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि जो कार्रवाई है वो चाहते हैं वो नहीं हो रही है, और अगर वो सोमवार तक नहीं उन्हें कोई आश्वासन मिलता तो फिर आगे जो है वो अपने आंदोलन को किसी भी रूप के अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें न्याय चाहिए। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे पिछले दिनों में जब पोस्टमार्टम हुआ तब सौरभ की जो जिस तरीके से सौरभ चला गया उसे बता रहे हैं कि वो आत्महत्या थी, लेकिन परिवार ने तब से ही अब तक एक ही बात कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, और इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई है, जिसमें 2-3 लोगों के नाम दिए गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ महिलाएँ हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, और सौरभ की जो सिस्टर हैं उनसे भी बात करते हैं। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप, सिस्टर हैं सौरभ? हाँ जी जी जी, क्या कहना चाहते हैं? अभी तक कोई कार्रवाई बता रहे हैं नहीं हुई है, जो अभी बात हमने की है, तो क्या क्या परेशानी आ रही है कि किस रुख में मतलब ये केस जा रहा है, अभी तक क्या जो है आपको आश्वासन मिला है? सर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, और जिनका हमने सस्पेक्टेड का नाम लिया था, जिनके पास वो लास्ट टाइम था, या जिस सस्पेक्टेड का भी नाम लिया था, वो भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये बताइए, अगर हमारा होनहार भाई गया है और वो सरेआम घूम रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? कोई भी मतलब इसमें अरेस्ट कोई नहीं हुआ है? कोई भी नहीं अरेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं, कार्रवाई कोई आगे नहीं बढ़ी है, जिस तरीके से परिवार तो पुलिस प्रशासन क्या बोलता है, वो इसे आत्महत्या का नाम दे रहे हैं, ऐसा ही अभी भी ऐसा ही चल रहा है? अभी तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया, सिर्फ टाइम पे टाइम लिया जा रहा है कि हमें टाइम दे दो। एसपी ने सीएम के सामने 15 दिन पहले 7 दिन मांगे थे, हमने वो भी दिए, 15 दिन हो गए हैं, फिर उन्होंने हमसे कहा कि 2 दिन और दे दीजिए, हमने वो भी दिए, आज वो 2 दिन बीते, अभी 2 दिन हो चुके हैं। अब एसपी ने सोमवार को बुलाया, आज हमने कैंडल मार्च निकाला, लेकिन मंडे को अगर हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे, हर तरीके का काम करेंगे हम अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए। जिनका इकलौता सहारा छीना गया है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, हम प्रशासन से ही गुहार लगा सकते हैं ना, अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो हमें बता दो कि हाँ भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने आप कर लो, हम अपने आप कर लेंगे, पाल समाज के पास दे दो उन बच्चों को जिनके खिलाफ हमने FIR दर्ज करवाई है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। अब ये बताइए कि हम जाए तो जाए कहाँ? यहाँ पर फिलहाल हमने बात की है, ये सिस्टर ही लगती हैं सौरभ की, और यहाँ पर यही देख सकते हैं कि सौरभ की तस्वीर लगाकर यहाँ पर यही गुहार लगाते नज़र आ रहे हैं कि उन्हें जो है न्याय मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल
क्या होगा ये कहना मुश्किल है। और आपको बता दें इस समय हम ठंडी सड़क पर खड़े हैं, अगर आपको हम दिखा दें कि ठंडी सड़क पर मौजूद है जहाँ पर ये सभी बैनर्स जो हैं लगाए गए हैं सौरभ की तस्वीर के, अगर आपको आसपास दिखा दें सामने की तरफ इधर इधर और उधर भी देख लीजिए, सब जगह पर जस्टिस फॉर सौरभ ये लिखा हुआ है। और यही जो उन्होंने अपनी बात रखी कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो ऐसे ही अपना प्रदर्शन करते रहेंगे, इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे, और अगर आगे कोई किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिलता है तब भी जो है वो किसी ना किसी ऐसे रुख को उनको पकड़ना पड़ेगा जो कि एक बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है। और पाल समाज के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने फिलहाल यही चीज़ साफ तौर पर कही है। तो आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, फिर से जुड़ेंगे आई बिन 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।